हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नीटिंग चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये पैटर्न बहुत ही आसान है और ये टोटल 8 फंदों में बनने वाला पैटर्न है, 8 सिलाइयों में बन जाता है। तो आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे, तो चलिए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 8-8 के मल्टीपल से फंदे डाले हैं, 3 फंदे लास्ट में डिज़ाइन को बैलेंस करने को और 2 फंदा एज स्टिच का। तो अब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो फंदे डालने के बाद उल्टी साइड से ही हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये हमारी बेस रो होगी, तो इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और 3 फंदे में सीधे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, क्योंकि पहली सिलाई है तो इसको बुन लिया है, और 3 फंदे सीधे। फिर 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा। इसे बार बार रिपीट करना है। तो अब फिर से हम 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा और लास्ट में 3 फंदे सीधे। एक एज स्टिच का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेस रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फर्स्ट रो पे हैं, सीधी साइड पे। पहली सिलाई फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये देखिए हमें क्या करना है, 2 फंदे का 1 फंदा सामने की तरफ से, फिर धागा लपेटेंगे सिलाई पे, जाली बनाएंगे और 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे सिलाई पे और स्लिप स्लिप नीट करेंगे, फंदा 2 फंदा स्लिप करके बैक लूप से 1 2 का 1, 3 फंदा उल्टा। रिपीट करेंगे हम इसे, 2 फंदे का 1 फंदा सामने की तरफ से, फंदा लपेटेंगे सिलाई पे जाली के लिए, उल्टा बनेंगे, फंदा लपेटेंगे जाली पे के लिए और स्लिप स्लिप नीट करेंगे, लास्ट में 3 फंदे हमारे उल्टे और 1 एज स्टिच का फंदा। ये हमारी फर्स्ट रो थी। सेकेंड रो, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदा उल्टा, 1 2, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 1 2, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 1 एज स्टिच का फंदा उल्टा या सीधा। 2 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी है। तीसरी सिलाई रो थर्ड पे है। पहला फंदा स्लिप करेंगे सिलाई पे, 3 फंदे उल्टे, फिर अब ये देखिए 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 1 2, और ये 3 ही दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और 1 फंदा सीधा। तीसरी सिलाई हमारी है, उल्टी सिलाई हमारी
उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा है, चौथी सलाई तो फंदा स्लिप करके तीन फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा, फिर रिपीट करेंगे तीन फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा, लास्ट में तीन फंदे सीधे और एक एज स्टिच का उल्टा सीधा कुछ भी। अब ये हमारी चार सिलाई हो चुकी है, रो फिफ्थ पांचवी सिलाई, फंदा स्लिप करेंगे एक दो तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे सामने की तरफ से, दो फंदे का एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा। अब हमें स्लिप स्लिप निट करना है, फंदा स्लिप करेंगे एक दो स्लिप किया बैक लूप से, दो फंदे का एक फंदा, धागा आगे एक फंदा सीधा, दो फंदा तीन फंदा उल्टा, वन टू थ्री रिपीट कर रहे हैं दूसरा पैटर्न, एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे दो फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, एक फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरह से बन रही डिज़ाइन, एक फंदा उल्टा। अब स्लिप स्लिप निट, दो फंदे का एक फंदा, दो सिलाई पे स्लिप करने के बाद बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, लास्ट में तीन फंदे उल्टे। ये हमारी पांचवी सिलाई है और छठी सिलाई पांचवी सिलाई है, छठी सिलाई हमारी उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा है, फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, थ्री फंदे हमारे उल्टे एक फंदा सीधा, वन टू थ्री, तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे, रिपीट कर रहे हैं हम, तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, चौथा फंदा उल्टा या सीधा कुछ भी। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, टोटल सिक्स रो कंप्लीट हो गई है, रो सेवेंथ सातवीं सिलाई। हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, अब एक फंदा सीधा और निट टुगेदर, दो फंदा सामने की तरफ से एक साथ बुनेंगे, दो का एक एक फंदा उल्टा, स्लिप स्लिप निट करेंगे, दो फंदे स्लिप करके बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा सीधा। तो इस बार हमारे फंदे दो फंदे घट गए हैं, तीन फंदा उल्टा, डिज़ाइन रिपीट सेकेंड पैटर्न रिपीट हो रहा है, फंदा स्लिप करने के सॉरी तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, दो फंदे का एक फंदा सामने की तरफ से, एक उल्टा स्लिप स्लिप नेट एक सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे एक फंदा एज स्टिच का। अब आठवीं सिलाई हमारे उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा है, तो इस बार हमें फंदा स्लिप करने के बाद तीन फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, एक दो और एक तीन, तीन फंदा सीधा एक एज स्टिच का फंदा। ये हमारी टोटल आठ सिलाइयाँ हो चुकी है, हमें इन्हीं आठ सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। टोटल हमारी इन्हीं आठ सिलाइयों की डिज़ाइन है और ये जब हम बार बार बनाएंगे इन्हीं आठ सिलाइयों को तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी।
तो ये देख सकते हैं ये इस तरह से डिज़ाइन है। तो चलिए फिर पहली सिलाई को रिपीट करते हैं। फर्स्ट रो फंदा स्लिप करके तीन फंदे उल्टे। अब हमें दो फंदे का एक फंदा करना है सामने की तरफ से धागा लपेट के जाली बनाते हुए, एक फंदा उल्टा और धागा लपेट के स्लिप स्लिप नीट करना है। फिर एक दो तीन फंदे उल्टे सामने की तरफ से दो फंदे का एक फंदा, धागा लपेट के एक फंदा उल्टा, धागा लपेट के स्लिप स्लिप नीट, दो फंदा उल्टा, तीन फंदा उल्टा, एक एज स्टिच का फंदा भी उल्टा सीधा कुछ भी बना लेंगे। तो ये हमारी नई डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है अगली 8 सिलाइयों की। फर्स्ट रो मैंने बना दी है, अब सेकंड से लेके 7th रो जब हम बनाएंगे तो डिज़ाइन देखिए हमारी इस तरह से बनेगी। बार बार 8 सिलाइयों को रिपीट करने के से ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत सी उभरी हुई डिज़ाइन, जाली वर्क में रो में जाती हुई डिज़ाइन है। बैक साइड देखिए ये इस तरह से है और इस यह फ्रंट साइड है। तो ये किसी भी तरह के लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में इसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वेटर बन के तैयार होगा। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी और ये आप इसे अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्वेटर बन के तैयार होगा। तो शॉल स्टॉल मफलर वगैरह में भी इसे डाल सकते हैं, आसान सी डिज़ाइन है, अच्छी लगेगी। ब्लैंकेट वगैरह में भी बना सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों से मिलूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का शुक्रिया बहुत।